प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग, प्रभु की सुबह एक और बार आपके और मेरे लिए है, मिलकर संगति करेंगे। यह है पवित्र शास्त्र बाइबल, जो आपके और मेरे लिए मार्ग है, सत्य है, जीवन है। 15 अध्याय पढ़ेंगे आज उत्पत्ति की पुस्तक में। हम अब्राहम के बारे में देख रहे हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, अलग अलग जगह पर आशीष दी, बचाया, मिस्र से बचाया, मलकी सिदिक से उसकी बातचीत हो रही है, जो कि हम लोग 14 अध्याय में हमने पढ़ा। आज 15 अध्याय अब्राहम के साथ परमेश्वर की वाचा बांधने का वर्णन क्या है, उस पर बातचीत करेंगे। 15 अध्याय पहला वचन, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। मत डर, प्रभु ने ये बार बार जो वो व्यवहार कर रहा है, गलतियां कर रहा है, उसे वो बता रहा है, अब्राहम मत डर। देखो, आप कभी भी कहीं पे भी जाते हो, बाहर जाते हो, तो आपके लिए समस्याएं खड़ी होती हैं, क्योंकि आपका घर नहीं है। कहते हैं ना, अपन अपने गली में तो अपने अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। कुत्ता इसलिए शेर होता है बिकॉज दैट्स हिज प्रॉपर्टी, वो उसे अपना अधिकार क्षेत्र समझता है, और वो होता भी है उसका अधिकार क्षेत्र। और कोई भी अपने अधिकार क्षेत्र में जो है किसी को भी घुसने नहीं देगा। मैं इसे बहुत डिटेल में आपको समझा सकता हूँ, पर फिलहाल मेरा वो उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य यह है कि हम 10 मिनट में ये अध्याय पढ़ें। तो आइए इस बात पर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आने वाले एपिसोड्स में मैं अधिकार क्षेत्र के बारे में और बात बताऊंगा, जो बाउंड्री है हमारी पर्सनल बाउंड्री, उस बाउंड्री में अगर कोई घुसने लगता है, वी कांट अफोर्ड इट, हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते, उसे अंगीकार नहीं कर सकते, उसे स्वीकार नहीं कर सकते, अनलेस एंड अनटिल जब तक हमारी उसके साथ दोस्ती ना हो जाए। कोई भी व्यक्ति, एक सिंपल उदाहरण की बात बताऊंगा, अगर आपकी बाउंड्रीज जो है, अगर आप किसी बस में जा रहे हो तो आप लोगों को अपने बिल्कुल बगल में खड़े होते हुए देखोगे और आपको उसमें कुछ अजीब नहीं लगेगा, लेकिन आप फिर भी कभी किसी को जो है अपने चेहरे पर हाथ लगाने नहीं देंगे, आप उसे अपने हाथ को हाथ लगाने नहीं देंगे, आप अपनी बॉडी को टच करने के लिए नहीं देंगे। अगर टच हो भी रहा है किसी कारण से जो अनजाने में, यू विल नॉट बॉदर अबाउट दैट। पर अगर आप यही चीज़ किसी गार्डन में बैठे हो और आपके पास जो एक बेंच है जिस पर आप बैठे हों, पूरी बेंच खाली, आप एक कोने पर बैठे हैं, और तभी अचानक कोई आता है जो साइड के कोने पर बैठने लगता है, तो आपके लिए, आपके जो जीवन में है ना, उस समय आपकी बॉडी में, आपके मन में, विचार में ना भौचाल आ जाता है। अब आप उसे आसानी से स्वीकार नहीं करते, और धीरे धीरे आप अपने आप को मनाते हो, नो, इट इज़ पब्लिक पार्क, ये पब्लिक पार्क है, यहाँ पर लोग आएंगे, यहाँ बैठेंगे, तो बैठेगा, कोई बात नहीं है, बैठने दो। पर धीरे धीरे जैसे जैसे वो नज़दीक आएगा, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। दैट इज़ योर बाउंड्रीज। हम इस बारे में किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, हे अब्राहम मत डर, मैं तेरी ढाल हूँ, मैं तेरी ढाल का बड़ा प्रतिफल हूँ। दूसरा वचन, अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वश हूँ, मतलब मुझ में ताकत नहीं है, मुझ में वश ही नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता, और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलीएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा। और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। ये अब्राहम परमेश्वर से कह रहा है। चौथे वचन में, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। अब्राहम कहता, प्रभु क्या बात है, मेरी पत्नी तो बांझ है, आज के दिन तक मेरा कुछ हुआ नहीं है, तूने मुझसे कहा था कि नाप ले, तू कर ले, ये कर ले, तेरे पास वो होगा, तेरी संतान गिनी ना जाएगी, और प्रभु तू कह रहा है कोई है ही, मतलब यहाँ तो कुछ है ही नहीं, कैसे होगा। दिस इज वॉट ही वॉज थिंकिंग, बट ही डिड नॉट सेड इट, कुछ बोला नहीं उसने, अब तक तो वो ये सब सोच के ही तो बोल रहा है, मेरा तो कुछ बचा ही नहीं। लेकिन तब प्रभु यहोवा कह रहा है, तेरे निज पुत्र होगा। कौन सा पुत्र? फिर उसके बाद देखेंगे पांचवा वचन, और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है। फिर उसने उससे कहा, अब्राहम के लिए परमेश्वर ने कहा कि तेरा वंश ऐसा ही होगा। छठे वचन में, उसने यहोवा पर विश्वास किया, और यहोवा ने इस बात को उसकी लेखे में धर्म गिना, कि बोले कि आज उसने विश्वास किया इस बात के लिए, यहोवा उसे धर्मी गिनता है। सातवां वचन, तब उसने उनसे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के उर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूँ। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी होऊंगा। तब यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेड़ा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। 10वें वचन में लिखा है, इन सबों को लेकर उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिए और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों को उसने टुकड़े नहीं किए। जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया।
जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई और देखो अत्यंत भय और महाअंधकार उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेसी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। और ऐसा हुआ कि जब सूर्यास्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मशाल दिखाई दी जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। इसी दिन यहोवा ने अब्राहम से यह वाचा बांधी, मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात केनियों, कनिज्जियों, कदमोनियों, हित्तियों, परिज्जियों, रपाइयों, एमोरियों, कनानियों, गिरशेनियों और यबूशियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया है। एंड दिस इज चैप्टर 15। यहाँ पर अब्राहम के साथ परमेश्वर की वाचा को देखते हैं कि अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी कि अब्राहम मैं तुझे क्या देने वाला हूँ। अब्राहम के सवाल का जवाब दे कि देख तू पढ़ ले, गिन ले, तू अगर गिन नहीं सकता उससे भी बढ़कर तेरी जो है संतानें होंगी। दैट्स लुक्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बट द गॉड मेड इट पॉसिबल। यस, और इसीलिए तो इस समय जो है VBS चल रहे हैं, तो ये गीत जरूर कहीं ना कहीं तो गाया जा रहा होगा। फादर अब्राहम हैड मैनी सन्स एंड फादर अब्राहम आई एम वन ऑफ देम एंड सो आर यू, सो लेट्स प्रेज द लॉर्ड। ये गीत तो सुन ही रहे होंगे आप, मैं भी सुनकर अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है गीत। प्रभु आपको बहुत आशीष दे मेरे प्रियो। जब वाचा प्रभु ने अब्राहम के साथ बांधी तो वो आपके साथ क्यों नहीं बांधेगा? आपके लिए उसने पहले ही अपनी वाचाएँ रखी हैं और वो निश्चय पूरी करेगा। अमन प्रभु आप सबके साथ हो, संगति करते जाइए, प्रार्थना कीजिए विजनरी रेडियो टीवी के लिए। हम नए जो प्रोग्राम्स करने वाले हैं, ज़रूरतें जो हैं, मशीनों की ज़रूरतें हैं, जिस चीज़ के लिए हमें पैसे की आवश्यकता है वो प्रभु पूरा करे। यदि आपके मन में बोझ है तो आप अपनी ऑफरिंग्स मुझे इन नंबरों पर भेज सकते हैं, प्रभु आपके लिए कार्य करे। चैम्सी की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।